हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बहरी चुनाव में एक जगह हंगामा, पुलिस पार्टी पर पथराव, आधा दर्जन हुए गिरफ्तार। गांव की सरकार बनाने में बहेड़ी में शाम तक जमे रहे मतदातागण, कहीं महिलाओं की भीड़ तो कहीं पुरुष रहे आगे। और पंचायत चुनाव का अगला पड़ाव दरभंगा सदर हायाघाट में नामांकन का दौर जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईट छाप का दबाना। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार के दूसरे पड़ाव में बहेड़ी के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किसी किसी मतदान केंद्र पर तो देर शाम तक मतदाताओं ने कतार लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग किया। दरभंगा जिले में पंचायत चुनाव का दूसरा पड़ाव बहेड़ी, यूं तो कहे राज्य का तीसरा, लेकिन दरभंगा में अलीनगर और बेनीपुर के बाद मतदान बहेड़ी में। 25 पंचायतों का बहेड़ी, जहां लोगों ने जमकर वोट दिया। गांव की सरकार, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, एक साथ 6 जनप्रतिनिधि। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी और उसकी जवाबदेही के लिए पुरुष महिला कतारबद्ध होकर, भीड़ लगा कर, कोरोना काल में सुरक्षा मानक अपना कर पहुंचे मतदान करने। कुल 6 पदों के लिए 4 पद ईवीएम से वोट गिरना है, जबकि 2 मतपत्र पंच और सरपंच के लिए चुने जाएंगे, जहां मतपेटिका में वोट डाला जाएगा। इस तरह भीड़ डटी रही गांव की सरकार बनाने में बहेड़ी में शुक्रवार को। बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में,
दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में, नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। हम आपको दिखाएंगे कि आगे किस मतदान केंद्र पर कहां कैसी रही भीड़, कहीं महिला आगे तो कहीं पुरुष आगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि मतदान के पहले दौर में ही हाबीडी उत्तरी पंचायत के मतदान केंद्र 333 कौर 334 पर मुखिया प्रत्याशी के एक रिश्तेदार और पुलिस कर्मी भाई द्वारा वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा, और जब पुलिस वहां पहुंची, एसएसपी खुद पहुंचे, तो वहां उन लोगों ने विरोध किया और अंततः नियम तोड़ने के आरोप में जब कुछ लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई हो रही थी तो पथराव हो गया, और ऐसे में भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर करके पीछे हटने को मजबूर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उन्हें उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के तहत पुलिस की गाड़ी जब पहुंची, निष्पक्ष वोट की बात हुई, वहीं पर एक बूथ पर कुछ लोग जमा हुए थे जिन्हें हटाने की बात कहते ही पुलिस पार्टी पर पथराव शुरू हो गया। एसएसपी खुद वहां पहुंचे थे, पुलिस बल थी, और ऐसे में भीड़ ने पथराव किया। बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। एक प्रत्याशी द्वारा दबंगता दिखाया जा रहा था, पुलिस का कहना है। हालांकि एसएसपी इस पथराव में बाल बाल बचे, एसएसपी के साथ चल रहे पुलिस के दो गाड़ी के शीशे टूट गए। मामला बिगड़ता देख काफिला जैसे तैसे आगे निकल बहेरा थाना पहुंचा, जहां भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे और उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू की। करीब दर्जन भर लोग गिरफ्तार किए गए थे। अच्छी बात यह रही कि एसएसपी के सूझबूझ के कारण पत्थरबाजी में कोई पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ। घटना बहेरी प्रखंड के हाबीडी बसकट्टी गांव की है, जहां मतदान के बूथ पर एक उम्मीदवार के समर्थक द्वारा दबंगता दिखाया जा रहा था। उसके भाई जो झारखंड में पुलिसकर्मी हैं, वे लगातार भीड़ लगाकर लोगों को धमका रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली। मौके की नजाकत को देखते हुए एसएसपी बाबूराम ने वहां से तत्काल तो निकलना ही मुनासिब समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद भारी संख्या में दोबारा मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों के खिलाफ गिरफ्तारी की, कानूनी कार्रवाई शुरू की, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सर क्या हुई घटना? ये बसकट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहां पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नजदीक काफी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने तीन लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था, और जब पुलिस की गाड़ियां जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिया, जो दो तीन गाड़ी पर पत्थर लगा है, और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। दो गाड़ी पे नहीं, जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो दो गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हुआ है, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी, और उसके साथ में और कुछ लोग थे, पुरुष मेंबर लोग थे, तो उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। शेष की भी गिरफ्तारी जल्दी आज ही कर ली जाएगी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और एसएसपी बाबूराम संयुक्त रूप से भी बहेरी के मतदान केंद्र पर निकले। इन दोनों ने मतदान केंद्र संख्या 98 पर रहकर काफी देर तक पूरी मतदान की प्रक्रिया को देखा, विधि व्यवस्था का भी और निरीक्षण किया। और पंचायत चुनाव में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से निकले बहेरी के मतदान केंद्रों पर। विभिन्न मतदान केंद्रों पर उन्होंने जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था को देखा, और एक बूथ पर जाकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ उन्होंने बारीकी से मतदान प्रक्रिया को भी जाना।
लोगों से मतदाताओं से पूछा कहीं कोई शिकायत तो नहीं, इस पर बात आई कि नहीं, निष्पक्ष मतदान हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में भ्रमणशील रहे जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक। बाकी है अभी और भी पंचायत से चुनाव से जुड़ी खबरें, लेकिन पहले एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बहरी चुनाव में एक जगह हंगामा, पुलिस पार्टी पर पथराव, आधा दर्जन हुए गिरफ्तार। गांव की सरकार बनाने में बहेड़ी में शाम तक जमे रहे मतदातागण, कहीं महिलाओं की भीड़ तो कहीं पुरुष रहे आगे। और पंचायत चुनाव का अगला पड़ाव दरभंगा सदर हायाघाट में, नामांकन का दौर जारी। पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड अनुमंडल के साथ साथ जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम लगातार कार्यरत रहा, पहले बेनीपुर और अलीनगर में और अब बहेड़ी। चुनाव में भी पूरे दिन फोन टनटनाता रहा और फिर यहां से उसका निदान भी होता रहा। और बहेड़ी चुनाव, एक तरफ मतदान चल रहा था तो प्रखंड और अनुमंडल स्तर के बाद जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष लगातार कार्यरत रहा। फोन की घंटियां टनटनाती रही और निष्पादन होता रहा, कहीं से भी कोई सूचना तो उसका निष्पादन तुरंत। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। दसों चरण के चुनाव में उस दिन यह कार्यरत है और हर शिकायत को बारीकी से सुना गया और संबंध मतदान केंद्रों पर जो शिकायत था उसके निष्पादन के लिए अंतिम जो पदाधिकारी है, कर्मी है, वहां तक सूचना पहुंचाई गई। चाहे मारपीट की घटना हो या बोकस बोर्ड की घटना हो या दबंगता की बात हो, इस तरह की सूचनाएं आती रही और निष्पादन होता रहा जिला नियंत्रण कक्ष से। नियंत्रण कक्ष में 10 हंटिंग लाइन लगाए गए हैं और टोटल 16 सेक्टर हमारे हैं, जिसमें प्रत्येक सेक्टर पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जो कि जो हमारा 24 घंटे का ही कंट्रोल रूम चलेगा। और सारे हम लोग को जो कंप्लेन आ रहे हैं, सारे कंप्लेन का हम लोग यथासंभव निष्पादन कर रहे हैं। गांव की सरकार बनाने के सिलसिले में सदर प्रखंड के भी जिला परिषद के लिए नामांकन किया। जिला परिषद के लिए नामांकन का दौर जारी रहा सदर अनुमंडल कार्यालय। और सदर अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद के लिए नामांकन चल रहा है और नामांकन के लिए कई प्रत्याशी पहुंचे, भारी भीड़ के साथ, समर्थकों के साथ, रंग अबीर गुलाल के साथ, ढोल बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ। हालांकि कोरोना काल में नियम पालन करने की प्रशासन की लगातार बयान देने के बावजूद भी इसे अनदेखा करते हुए नामांकन में सख्ती प्रदर्शन। गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी तो क्यों न हो होली और दिवाली। और सदर प्रखंड में भी नामांकन में लगातार भीड़ रही। भीड़ ने में कई प्रत्याशी के साथ साथ समर्थक भी रहे। जल जमाव और संकीर्ण यातायात व्यवस्था के बीच प्रत्याशी लगातार डटे रहे। नामांकन 11 अक्टूबर तक होना है सदर प्रखंड और हायाघाट प्रखंड। और सदर प्रखंड एवं हायाघाट में नामांकन का दौर जारी है। 11 अक्टूबर तक होना है नामांकन। और यहां देखिए, नामांकन में गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए मेला का नजारा। दुर्गा पूजा में भले ही मेला लगाने की मनाही हो, भीड़ जमा करने की मनाही हो, लेकिन यहां देख लीजिए। कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत कमी है पंचायत में,
बहुत सारा कहीं रोड नहीं बना है, बिजली सही नहीं है, किसी की योग्य किसी के लिए साधन नहीं है। पंचायत से मुखिया पर विकास का काम नहीं हुआ, सभी गली नाले में पानी लगा हुआ है, गंगा नाली से पानी घिर के जा रहा है। अनपुर पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन किए, अब हमारा उद्देश्य मेरा है मैं समाज के विकास करूं, जितना पिछड़ा हुआ मेरा पंचायत है उसको विकास करने के ही उद्देश्य से हमने पंचायत में अपना कदम रखा। और इस तरह नामांकन में भीड़ आप देख रहे हैं, ये दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं है, नामांकन की भीड़ है, ये आरती के समय की तस्वीर नहीं है, प्रत्याशियों के नामांकन की तस्वीर है, ये आम समय की तस्वीर नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना काल के समय की तस्वीर है, ये तस्वीर है 8 अक्टूबर शुक्रवार की दरभंगा प्रखंड में नामांकन की। तो ये थे गांव की सरकार की खबरें, लेकिन इजाजत लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बहरी चुनाव में एक जगह हंगामा, पुलिस पार्टी पर पथराव, आधा दर्जन हुए गिरफ्तार। गांव की सरकार बनाने में बहेड़ी में शाम तक जमे रहे मतदातागण, कहीं महिलाओं की भीड़ तो कहीं पुरुष रहे आगे। और पंचायत चुनाव का अगला पड़ाव दरभंगा सदर हायाघाट में, नामांकन का दौर जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।